नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका डिफेंस गैलरी में। दोस्तों, इस समय आपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में बहुत बार सुन लिया होगा, क्योंकि रशिया ने अपना एवेंगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल आपने सुना होगा कि ऑपरेशनल कर दिया है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये कोई हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, बल्कि एक हाइपरसोनिक वेपन है। हाँ दोस्तों, क्या आपको ये भी पता है कि जो रशिया का हाइपरसोनिक वेपन है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है, न कि क्रूज मिसाइल है। क्या आपको पता है दोस्तों कि हाइपरसोनिक वेपन में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल अलग होती हैं, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स अलग होती हैं? हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल क्या होता है और नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल से ये कैसे अलग है? तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो दोस्तों हमारे एक व्यूअर का क्वेश्चन था। उनके क्वेश्चन के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद इस चीज के डाउट लोगों को बहुत ज्यादा होंगे, तो इसलिए मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाने का सोचा। इस वीडियो में हम दोस्तों आपको हाइपरसोनिक वेपन्स की पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में इन डेप्थ नॉलेज देंगे। इस वीडियो के बाद आपको कभी कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हाइपरसोनिक वेपन एक्चुअल में होते क्या है। आपने हो सकता है पहले सुना हो कि हाइपरसोनिक वेपन वो वेपन होते हैं जो कि मैक 5 या उससे ज़्यादा की स्पीड पे चलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये आज के समय से एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हमारी जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो सारी की सारी लगभग 5 मैक की स्पीड से ज़्यादा और बहुत ज़्यादा तक भी चलती हैं, लेकिन हम उन्हें हाइपरसोनिक वेपन्स की कैटेगरी में नहीं जोड़ते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज के समय में हाइपरसोनिक वेपन की डेफिनेशन ये है कि ऐसा कोई भी वेपन जो कि मैक 5 या उससे ज़्यादा की स्पीड लेके चलता हो, प्लस साथ ही साथ वो अलग अलग तरह के मैन्यूवर्स को परफॉर्म करने में भी सक्षम हो, तभी हम उस वेपन को हाइपरसोनिक वेपन की कैटेगरी में डालते हैं आज के समय। इसीलिए इतनी सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स का इन्वेंशन होने के बाद भी इनको हाइपरसोनिक नाम नहीं दिया गया। तो यानी कि मैक 5 प्लस स्पीड और साथ ही साथ मैन्यूवर्स परफॉर्म जो करेगा, हम उसे हाइपरसोनिक वेपन कहेंगे। अब हाइपरसोनिक वेपन होते कितने तरह के हैं? तो हाइपरसोनिक वेपन बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और दूसरी होती है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। ये दोनों ही वेपन के अंदर ये क्वालिटीज होती हैं जो कि हाइपरसोनिक वेपन्स की क्वालिटी हैं, लेकिन ये दोनों वेपन भी अपने आप में अलग है। इनकी क्वालिटीज अलग है, इनका इम्पैक्ट अलग है और इनकी क्षमताएं भी बहुत अलग हैं। रशिया ने इस समय जो वेपन बनाया है वो कोई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है, बल्कि वो एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। क्यों है ये आपको इन दोनों की डेफिनेशन से समझ में आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। तो कोई भी ऐसी मिसाइल जो कि एक सस्टेन्ड हाइपरसोनिक स्पीड जनरेट करने में सक्षम होती है उसके खुद के इंजन से, और साथ ही साथ वो मैन्यूवर्स भी परफॉर्म कर सकती है, ऐसी मिसाइल को हम कहते हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। यानी कि इसमें तीन चीजें होनी जरूरी हैं। पहला है सस्टेन्ड स्पीड, यानी कि मैक 5 या उससे ज्यादा की स्पीड बहुत ज्यादा समय तक वो मिसाइल लेके उड़ सके। दूसरा, इस मिसाइल में खुद का इंजन लगा होता है जो कि उसे पावर सप्लाई करता है। तीसरा, ये मिसाइल्स मैन्यूवर्स कर सकती हैं। वहीं बात करें अगर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की, तो ये ऐसे व्हीकल होते हैं जो कि स्पीड मैक 5 या उससे ज्यादा का जनरेट करते हैं या उसकी ज्यादा की स्पीड से चल रहे होते हैं, और साथ ही साथ ये व्हीकल्स अलग अलग तरह के मैन्यूवर्स को भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इनमें कोई खुद का इंजन नहीं लगा होता है, इसीलिए इसको हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कहा जाता है, ना कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल चलती कैसे है? तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जिन इंजन्स के थ्रू चलता है वो कोई क्रूज मिसाइल नहीं होती है, वो एक बैलिस्टिक मिसाइल के ही इंजन के थ्रू परफॉर्म करता है। और जब उसका फ्री फॉल होता है, एक्चुअल में जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है दोस्तों, ये एक रीएंट्री व्हीकल है, जैसा कि आपको नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल्स में भी दिखाई देता है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ यही है कि एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल एक फिक्स्ड पाथ के थ्रू जाता है और उसके बाद अपने उस रीएंट्री व्हीकल कह लो या उस वॉरहेड को वो एक फ्री फॉल के थ्रू छोड़ देता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू नीचे आता है और वो एक फिक्स्ड पाथ फॉलो करके नीचे की ओर आता है। लेकिन ग्लाइड व्हीकल में वहां तक का तो प्रोसेस सेम है जहां पे ये ग्लाइड व्हीकल उस मिसाइल से अटैच है, लेकिन जैसे ही ये ग्लाइड व्हीकल उस मिसाइल से सेपरेट होता है पृथ्वी की ओर
वापस से नीचे आने के लिए, वैसे ही इसका ये ग्लाइड व्हीकल अपना काम शुरू कर देता है। और ये गिरते दोनों ही एक बैलिस्टिक मिसाइल का भी जो वॉरहेड होता है वो भी एक हाइपरसोनिक स्पीड से ही गिरता है, और एक ग्लाइड व्हीकल भी हाइपरसोनिक स्पीड से ही आती है। इवन ग्लाइड व्हीकल की जो स्पीड है ये थोड़ी बहुत कम हो जाती है एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल के वॉरहेड से, लेकिन ग्लाइड व्हीकल का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये एक उम्दा स्पीड यानी कि मैक 5 से ऊपर की स्पीड में मैन्यूवर्स कर सकती है, और इतनी हाई स्पीड में थोड़ा सा भी अगर कोई चीज मैन्यूवर करती है तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है और उसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल में और बैलिस्टिक मिसाइल में। तो देखा जाए तो जो ग्लाइड व्हीकल्स होते हैं ये भी आप समझो बैलिस्टिक मिसाइल्स ही होते हैं अपने आधे फेज में, यानी कि जब तक वो ग्लाइड व्हीकल सेपरेट नहीं हुआ है अपने मेन इंजन से तब तक वो एक बैलिस्टिक मिसाइल ही होती है, लेकिन जैसे ही वो सेपरेट हो जाता है यानी कि आधे फेज के बाद जब वो टर्मिनल फेज में होता है उसके बाद ये एक हाइपरसोनिक वेपन बन जाता है, क्योंकि ये मैन्यूवर्स को परफॉर्म कर सकता है मैक 5 से ज्यादा की स्पीड को रखते हुए। अब ये जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स होते हैं ये क्यों एक बैलिस्टिक मिसाइल की जो रीएंट्री व्हीकल्स होते हैं उनसे अलग होते हैं, और इस ग्लाइड व्हीकल का क्या क्या फायदा है और ये फायदा क्यों होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो, जो भी बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो कि कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी प्रॉब्लम ये होती है वो स्पीड तो जनरेट करती है मैक 5 या उससे ज्यादा की, 10 मैक और 20 मैक तक की भी स्पीड होती है बैलिस्टिक मिसाइल में, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक फिक्स ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होगे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि पानी एक जगह से जा रहा है और दूसरी जगह पे गिर रहा है, तो ये फिक्स है। अगर आप इसी फोर्स के साथ पानी को नीचे से छोड़ोगे तो वो ऊपर जाएगा और एक एंगल बना के उसी पॉइंट पे गिरेगा चाहे आप इसे किसी भी तरफ घुमा दो। जैसे कि इस पिक्चर में अगर सपोज कि इस पाइप में आप देख रहे हो कि ये आगे की ओर पानी जा रहा है, लेकिन इसको हम अगर आगे की साइड कर दे तो भी इसका ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमेशा इतना ही रहेगा अगर इसमें फोर्स नीचे से इतना ही लगा है, यानी कि इसको इजिली ट्रैक किया जा सकता है कि आप किस प्रेशर के साथ नीचे से फेंका है आपने अगर कोई चीज तो वो किस प्रेशर के साथ कौन से लोकेशन पे जाएगी। और बैलिस्टिक मिसाइल की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनकी ट्रेजेक्ट्री फिक्स्ड होती है और पहले से ही पता होता है कि ये मिसाइल अगर यहाँ से लॉन्च करके ये पाथ फॉलो कर रही है तो ये कहाँ गिरेगी। तो उस पाथ को ट्रैक करते हुए आज के समय के जितने भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है वो उसे ट्रैक करते हुए नष्ट कर देते हैं। लेकिन वहीं अगर ग्लाइड व्हीकल की बात की जाए तो ग्लाइड व्हीकल आधा पाथ तो बैलिस्टिक का फॉलो करती है जब तक कि वो सेपरेट नहीं होती है अपनी मेन मिसाइल से, लेकिन जैसे ही वो सेपरेट हो जाती है तो इसका आप देख सकते हो ये ग्लाइड व्हीकल की जो बनावट है इसके एरोडायनेमिक्स ऐसे होते हैं कि ये ग्लाइड करते हुए पृथ्वी की ओर जाती है अपने टारगेट की ओर, और उस ग्लाइड की वजह से क्या होता है इसमें मैन्यूवर्स जनरेट होते हैं। तो इसका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता है, ये कभी दाएं मुड़ जाएगी कभी बाएं मुड़ जाएगी कभी थोड़ी ऊपर चली जाएगी कभी नीचे आ जाएगी, तो इसकी वजह से जो इंटरसेप्टर होते हैं वो इसको ट्रैक ही नहीं कर पाते हैं कि इसका एक्चुअल में टारगेट कहाँ है ये कहाँ जा रही है मिसाइल। तो इस वजह से इसको इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और अगर बात की जाए करंट में तो अभी ये लगभग आप लेके चलो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जिसके थ्रू हम हाइपरसोनिक वेपन को जो कि ग्लाइड भी करे मैन्यूवर्स भी करे उसको हम इंटरसेप्ट कर सकें। तो इसीलिए एवेंगार्ड भी थोड़ा ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल इस दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। तो जैसा मैंने आपको एक मेजर डिफरेंस तो बता दिया था, अब बात कर लेते हैं इसके थोड़े फायदे और नुकसान की कि कौन सा ज्यादा बेटर है। तो दोस्तों जहां पे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स जो होती हैं उनके कुछ अलग फायदे हैं और ग्लाइड व्हीकल के अलग फायदे हैं। सबसे पहली बात कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स जो होती हैं उनमें खुद का इंजन लगा होता है तो इसलिए उनकी रेंज कम हो जाती है, क्योंकि इतनी स्पीड से स्क्रैमजेट इंजन के बेसिस पे आप अगर बहुत दूर ले जाना है आपको मिसाइल्स को तो उस तरह की टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है किसी भी क्रूज मिसाइल में कि आप उसको 8000 या 10000 किलोमीटर तक के रेंज में भेज सके। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में हमें ऐसी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, पर फिलहाल तो अभी कोई ऐसा हाइपरसोनिक वेपन ही नहीं बना है क्रूज मिसाइल जो कि इस तरह में 1000 किलोमीटर का भी रेंज ले पाए, कोई भी ऐसी ऑपरेशनल मिसाइल नहीं है। तो लॉन्ग रेंज में इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन शॉर्ट रेंज के लिए हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बहुत काम आएंगे।
वहीं बात की जाए अगर ग्लाइड व्हीकल की, तो ग्लाइड व्हीकल का जो परफॉर्मेंस है वो एक्चुअल में सिर्फ मीडियम रेंज या लॉन्ग रेंज के लिए ही हो सकता है। उसको आप अगर चाहोगे किसी शॉर्ट रेंज पे यूज करने के लिए तो आप कर ही नहीं सकते हो। उसका रीजन ये है कि इसको जो लॉन्च करने का प्रोसेस है वो ऐसा है कि पहले ये ऊपर जाएगा स्पेस में और उसके बाद ग्लाइड करते हुए नीचे आएगा, तो उसके लिए आपको डिस्टेंस काफी चाहिए। तो एक छोटे डिस्टेंस पे आप चाहो कि 200 या 400 किलोमीटर दूरी पे आप ग्लाइड व्हीकल से अटैक कर दो तो वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, वो आप एक सिर्फ क्रूज मिसाइल से ही कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग रेंज के लिए आपको इसका फायदा मिलेगा। साथ ही दूसरी एक और चीज कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल अगर डेवलप हो जाती है फ्यूचर में लॉन्ग रेंज के लिए भी, तो उनको उनके लॉन्च पॉइंट के ही बाद उनको ट्रैक कर पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन होगा, क्योंकि वो हर समय मैन्यूवर्स कर सकती हैं। लेकिन वहीं ग्लाइड व्हीकल की बात की जाए तो ग्लाइड व्हीकल, ध्यान रखना, हाफ फेस तक वो बैलिस्टिक मिसाइल ही होता है, तो वहां तक वो मैन्यूवर्स नहीं परफॉर्म कर सकता। जब वो सेपरेट होता है उसके बाद मैन्यूवर्स करता है, तो यानी कि उस फेस तक पहुंचने से पहले अगर हमने इसको ट्रैक करके इसको इंटरसेप्ट कर लिया तो वहां पे इसका इंटरसेप्शन आसान होता है जब तक ये ग्लाइड व्हीकल अलग नहीं हुआ है। तो इसको इंटरसेप्ट करना कहीं ना कहीं अगर ये ग्लाइड व्हीकल अलग नहीं हुआ है तो वहां तक के फेज में इजी है किसी भी क्रूज मिसाइल के कंपैरिजन में। साथ ही अगर बात करें मैन्यूवर्स की कि कौन ज्यादा अच्छा मैन्यूवरेबल है, तो उसमें आप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को ज्यादा मैन्यूवरेबल कह सकते हो, क्योंकि इसमें खुद का इंजन लगा होता है, जबकि ग्लाइड व्हीकल में खुद का ऐसा कोई इंजन नहीं लगा होता है जो कि उसको बहुत ज्यादा मैन्यूवर्स प्रोवाइड करे। यानी कि ग्लाइड व्हीकल भी मैन्यूवर्स करेगा अपने एरोडायनेमिक्स की वजह से, लेकिन क्रूज मिसाइल की इतना नहीं कर पाएगा। और इसीलिए अगर हमने फ्यूचर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप भी कर ली जिससे कि हम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को अगर इंटरसेप्ट कर भी सकते हैं, तो भी जरूरी नहीं है कि उसी टेक्नोलॉजी से आप एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर पाओ, क्योंकि वो हाईली मैन्यूवरेबल होगा और ग्लाइड व्हीकल मैन्यूवरेबल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज पूरा समझ में आ गया होगा कि हाइपरसोनिक वेपन्स किसे कहते हैं और इसकी टेक्नोलॉजी में कितने तरह के वेपन आते हैं और उसमें क्या फायदे क्या नुकसान है, ये कैसे बैलिस्टिक मिसाइल से अलग है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि रशिया ने जो एवनगार्ड मिसाइल ऑपरेशनल किया है वो कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करता है और उस मिसाइल की क्या क्षमताएं हैं, फ्यूचर में इसका क्या असर होने वाला है, और साथ ही साथ चाइना ने भी एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बना लिया है, उसके बारे में भी हम साथ ही साथ उसी वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, आप मुस्कुराते रहिए, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।